युवाओं के दिल की धड़कन टुच्चा न्यूज और किधर है घर में आग लगा दे टुच्चा न्यूज समाज के ज्वलंत मुद्दों को समाज तक पहुंचाए टुच्चा न्यूज युवाओं के दिल की धड़कन टुच्चा न्यूज घर में आग लगाए टुच्चा न्यूज समाज के ज्वलंत मुद्दों को समाज के बीच रखने के लिए टुच्चा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम क्रिस है और आज मैं आ गया हूँ ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग करने गांव। और चलते हैं इधर, जो लोग भैंस चराने के लिए यहाँ जाते हैं शाम में, सुबह जाते हैं शाम में वापस आते हैं, तो हम भी पहुँच चुके हैं उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। उन लोगों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो सब आपको दिखाते हैं। अभी उधर से आए सड़क मार्ग से, लेकिन यहाँ पे जो है सड़क टूट गई है। अब इधर जब जाना पड़ेगा तो हेल के जाना पड़ेगा। एक दूसरे सड़क से जा रहे थे, वो भी टूटी हुई थी, तो वहाँ इतना पानी था, यहाँ इतने पानी है। अभी एक दूसरा गया इधर से तो पता चला है। तो अब देखते हैं इधर से ये गाड़ी पास कर पाता है कि नहीं, निकल पाता है कि नहीं, ताकि हम जो है वहाँ जहाँ जिनका साक्षात्कार करना चाह रहे हैं उन तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो आइए दिखाते हैं आपको, माइक इसमें डालते हैं, आइए कैमरा मैन वहाँ दिखाइए कितना पानी है। सबसे पहले जो है देखिए, यही पड़ाव पार करके जाना है, दिखाइए, देखिए इधर ये जो है, उधर दिखाइए जहाँ सड़क टूट गया, पीछे सड़क टूट गई है, देखिए यही वो सड़क है। ये कोसी नदी में जो है ये टूट चुकी है पूरी तरीके से, पुल उल वहाँ पे बना हुआ है लेकिन उस पुल का कोई काम नहीं है। अभी जो है यहाँ से पार करते हैं, चप्पल न हिल जाए इसलिए चप्पल का जो है पहले ये खोल लेते हैं ताकि पीछे फंसा लेते हैं। क्या लगता है बेतरनी पार कर पाएंगे, कितना पानी है पता नहीं दोस्तों, लेकिन साइड से जो है साइड से निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो पार हो गया दोस्तों, चलिए आइए। तो अभी जो है उधर भैंस है, भैंस वाला सब उधर है, थोड़ा सा दूर है, तो अभी जाने में जो है उधर 10 मिनट लगेगा और यही खाता खुती से निकल के किसी तरह जाएंगे। चलिए आपको वो भी दिखाते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं तो भैंसवार घर चला जाएगा, इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। आइए बैठिए, आइए बैठिए पीछे, बैठिए ठीक है ना, देखिए वो लड़का को दिखाइए, ठीक है ना, तू साइकिल हिला दिली पूरा है, ये देखिए उसको दिखाइए क्या कर रहा है उधर साइकिल हिला के, देखिए मजा ले रहा है। पुल दिखाइए इधर, देखिए ये पुल जो है, पुल होने के बावजूद वहाँ पे कट गई है सड़क, देख रहे हैं पूरा सड़क कट गई है, बीच से नदी बह रहा है, यहाँ पे पुल में नीचे बम्मा लगा हुआ है लेकिन वो पुल जो है किसी काम का नहीं है। देखिए इधर से जाना पड़ रहा है, एक जगह पार किए हैं अब दूसरे तरफ फिर से पार करना है, देखिए यहाँ की क्या स्थिति है, मगर ऐसे में गाड़ी देते रहे। देखिए यहाँ पे जो है अगर इधर से जो निकालेंगे दोस्तों तो इसमें गाड़ी है, कीचड़ है, इसमें फंस जाएगा, इससे अच्छा कि उधर पानी वाले एरिया से निकालते हैं, उधर से निकालेंगे तो फंसने का चांस जो है थोड़ा कम है। आइए इधर निकल जाते हो, दोस्तों यहाँ वहीं से यहाँ आने में जो है दो बार पार करना पड़ा, बताइए एक जगह यहाँ पे टूट गया है, एक जगह वहाँ पे टूट गया है। यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कते पानी छा, तो यहाँ पे एक लगी, यानी कि समझ लीजिए एक पूरा बांस, क्या फीट, 20 फीट 30 फीट 20-30 फीट यहाँ पे गड्ढा हो गया, बताइए ये कोसी की नदी जो है वो आते 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 छेदा करते चले जाती है अंदर, बताइए जाएंगे इसमें पार करेंगे रास्ता चले जाएंगे भीतरामपुर। अब इधर से चलते हैं उधर, नहीं तो भैंसवार सब भाग जाएगा, जल्दी बैठ। तो काफ़ी मशक्कत के बाद जो है देखिए इधर आए हैं, दो जगह आप देखे ही किस तरह से जो है टूटा हुआ था सड़क, टूट चुका था। अभी यहाँ पे बाकी बहुत सारे भैंसवार तो अभी जा चुके हैं यहाँ पे, लेकिन एक भैंसवार यहाँ पे, दो भैंसवार दिखा है, देखिए उधर दिखाइए एक बार, उधर दिखाइए, वो लोग जो है अभी भैंस चला रहे हैं, और इधर कुछ एक भैंस हमको दिखा है, यहाँ पे देखिए बकरी वकरी भी चल रहा है, इधर देखिए ये सब जो है खेत है, इस खेत में पूरा जो है पानी लगा हुआ है। भैंस और बकरी में देखिए तालमेल, देखिए कितना गजब है कि भैंस और बकरी दोनों एक साथ मिल के ही चारा जो है खा रहा, कोई किसी कुछ बिगाड़ नहीं रहा, उठा पटक नहीं मचाया हुआ है, संतोष की भावना है इन लोगों में। ये बकरी का इधर पठरू अठरू भी है, ये सब भी जो है अभी प्रशिक्षु है चारा खाने में, कियो समय अभी खेलिए, अभी ये लोग जो है खेल कूद रहा है। इधर आप देख सकते हैं इधर दो भैंसवार जो है इधर खैनी पे ताल दे रहे हैं, कियो हमरो लगाबू बड़ा चुतिया चाहिए ये लोग है, ये नेशनल टीवी है,
नेशनल टीवी पे ऐसा मत बताइए, ठीक है? सब हम लोग भैंसवार हैं, आप जितना समझेंगे उतने न करेंगे। नहीं नहीं ठीक है, खैनी पे ताल दीजिए। तो मैं तो इधर आप लोगों से मिलने के लिए जो है, दीजिए ना खैनी, लटा रहे हैं, लीजिएगा। नहीं नहीं अभी लटाइए, पहले पूरा चुना सरिया के लटाइए। तो आप देख सकते हैं इधर जो है ये दो भैंसवार, अभी आप लोगों के ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, अभी आप लोग दो ही लोग हैं। अरे भैंस घूम लो, घुमा। तो ये बताइए जो है आप लोगों को भैंस चराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है, जाते हैं भैंस चराते हैं, ये सब जो है ये देख रहे हैं, ये सब खाता है भैंस, उसके बाद फिर इसी पानी में धोते हैं, लेकिन यहाँ नहीं धोते हैं, थोड़ा दूर जाकर धार में, धार में जाकर धोते हैं। ये तो बाढ़ का पानी है, लग गया है इतना, ठीक है? ये देखिए चमत्कार, धोते हैं जो है घर पे आते हैं, बांध के सानी उनी लगाते हैं। तो ये बताइए कि आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? आप तो ज्यादा उम्र भी नहीं लग रहा आपका, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो वैसे मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक पढ़े हैं। और आप भाई साहब आपका क्या नाम है? कौशल कुमार। कौशल कुमार, आप कौन क्लास तक पढ़े लिखे हैं? नम्मा तक। अच्छा आप नम्मा तक पढ़े हैं, आप मैट्रिक पास कर गए जी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, इधर दिखाइए एक बार, बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं, ग्रामीण लोग भी हैं इधर, वो भी यहाँ पे रुक गए हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखिए बच्चे के गले में जो है ये देखिए क्या है, देखा है हाथ छोड़ी था, देखिए ये कोका फूल का माला जो है ये बच्ची पहनी हुई है, और ये फूल को जो है काट काट के ये पानी में कोका फूल हो जाता, कोके न चाहिए गे है कोका फूल, खैबो करे छे एकरा, खाता भी है इसको है। देखिए ये दो चीज होता है दोस्तों इसमें, एक तो जो है इसका माला बना के लोग पहन लेते हैं, जब माला टूटने के कगार पे हो जाता है उसको, अरे रुकू नहीं हो, देखिए इंटरव्यू के बीच में ये लोग छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए पहले उन लोगों को पूछते हैं। ये बच्चे लोग हैं, बच्चे खेलने वाले हैं, और जो है ये लोग कोका का फूल का जो है गला में लटका लेते हैं, जब ये सूखने के कगार पे होता है इसको खा भी लेते हैं, हल्का मीठा और खट्टा जैसा लगता है। शाम होते जा रहा है, हम लोग घर भी जाएंगे। मैं गांव के परिवेश को बड़ा फिल्मा रहा हूँ। जैसे आप लोग भैंस वैंस चराने जाते हैं, सुबह कितने बजे आते हैं आप लोग? सुबह आते नहीं, सुबह जाते हैं इधर से। बाबा ही मतलब कब जाते हैं ये बताइए? सुबह 8-9 बजे के आसपास जो है हम लोग खाना वाना खा के रेडी होते हैं। वो आजकल के समय नहीं, आजकल तो बाढ़ का पानी है, तो आजकल जो है 12-1 बजे खोलते हैं, फिर उधर से शाम के टाइम 4-5 बजे घर पे बांध देते हैं। अभी जो है घर की तरफ इन लोगों का भैंस प्रस्थान कर रहा है, कि जो है भैंस अभी खेत में था, थोड़ा बहुत उधर भी चारा वारा चढ़ा है, अब जो है वापस से जब इधर घर की तरफ जा रहा है, तो भैंस का पेट नहीं भरता है, खा लेता है पूरा, बाद में मुँह से निकाल के जुआली करता रहता है, पता है ना, वही खाना को निकाल के फिर से जो है पचाता रहता है। ये सुविधा जो है लोगों में भी होना चाहिए, इंसानों में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इस बात का हमें दुख है। आदमी भी पिज्जा बर्गर बहुत खा लेता है, बाद में उसको निकाल के पचा सकता था, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं है लोगों के साथ। भैंस को ये जो है ऊपर से प्राप्त है, तो इनकी जर्नी हम लोग जानेंगे इसमें कि ये कैसे जो है एक भैंस सवार बने ये, और फिर जो है उसके लिए क्या क्या इन्होंने किया। पढ़ाई, आप पढ़ाई अभी छोड़ दिए या करते हैं मैट्रिक के बाद? करते थे, फिलहाल ये 2 महीने से छोड़ दिए हैं। अच्छा 2 महीना से छोड़ दिया, और पूरा जो है अप्रैल से छोड़े हैं। अप्रैल से छोड़े हैं, और पूरा जो है इस भैंस में जो है अभी आप चराने में लग गए हैं। इसमें लग गए हैं। तो कैसे मतलब आप पढ़ाई छोड़ दिए और जो है ये भैंस चराने लगे, ये बताइए। इसका तो रीजन है थोड़ा लंबा, बताइए थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे गाँव के कुछ दादाजी लोग भी आके अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब मेरा साथी कहिए रहा है तो हम क्या। अच्छा ठीक है, तो जब साथी कह रहा है तो बात नहीं। तो ये बताइए कि आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? 2-3 महीने से आप जो पढ़ाई छोड़े हैं, क्यों छोड़े? एक क्लास से सुपौल में पढ़ रहे हैं। ये सुपौल एक जिला है, ये सुपौल जिला के अंदर ही अंचल सुपौल में एक गांव है, उधर हम लोग आए हैं। पहला क्लास से 10वीं क्लास तक सुपौल में पढ़े मैट्रिक का परीक्षा दिए, तो प्रथम बार जो है फेल कर गए। अच्छा मैट्रिक में आप फेल कर गए? घर पे आना नहीं चाह रहे थे, गाँव गांव आपको बुलाया जा रहा था, आपके घर वाले बुला रहे थे, लेकिन झूठ बोले आप, पास नहीं हुए थे, लेकिन कह दिए कि पास होगा। ऐसे ऐसे करके हम महीनों गुजार दिए, अब कितना दिन झूठ बोले थे, मम्मी पापा के बार बार कहने पर जो है हम एक बार घर आए तो मेरे पिताजी जो है उन पर बोल दिए थे कि जब आना ना तो अपना मार्कशीट लेते हैं। जब वो देखे मार्कशीट तो बोले कि तू तो फेल कर गया है। फिर हम पे तो पिताजी गुस्साए हुए थे, लेकिन हमको गुस्सा हम पे उतारे नहीं। मेरे पिताजी क्या किए कि एक साइकिल खरीद के दिए। अच्छा आपको साइकिल खरीद के दिए फेल होने के खुशी में? साइकिल खरीद के दिए कि अब जो है तू पैदल ट्यूशन मत जाना, साइकिल से जाना। पैदल जाने में जो है थक वक जाता होगा, मान लीजिए फेल करने के बाद एक साइकिल कसा के दिए, रेंजर दिए कि बड़का वाला साइकिल? नहीं बड़का वाला बोल रहे थे, तो हम बोले कि नहीं रेंजर लेंगे। आप जिद कर दिए कि हम रेंजर लेंगे। उतना ज्यादा तो नहीं किए,
अच्छा दूसरे बार उतना मेहनत आप जान के नहीं किए कि भाई चलो साइकिल मिल गया, पिताजी को उतना फर्क नहीं पड़ा था, क्या करें। ट्यूशन में अच्छे से मन लगा के किए, मन लगा के किए, मना संगी साथी के साथ जाते थे आते थे, ठीक है। बस ट्यूशन आना जाना, घर पे थोड़ा कम पढ़ना लिखना हो रहा था, वो कुछ बोले नहीं, ठीक है। दूसरी बार जब हम फेल कर गए तो फिर ऐसे ही हम घर 2 महीना 3 महीना उस बार भी नहीं आए, फिर हमको पिताजी घर बुलाए, ठीक है। और जब घर बुलाए तो उस बार जो हमको मोटरसाइकिल दिए, मोटरसाइकिल दिए, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मेहनत करो। दो बार फेल किया है, अच्छा दो बार आप फेल कर गए, मैं ठीक फेल कर गए, ठीक है। तो मेरे पिताजी को खास फर्क नहीं पड़ा, तो चलिए मोटरसाइकिल तो मिल गया हमको और खुशी हुआ, ठीक है। चलते थोड़ा मेहनत मेरा और कम हो गया, अब जो है गाड़ी हो गया तो क्या कहते हैं थोड़ा लड़का के साथ थोड़ा घूमना फिरना, अच्छा थोड़ा रात बात में ज्यादा चलने लगा। पिताजी बोल भी दिए थे कि कोई बात नहीं बेटा, जो है चांस 3 बार मिलता है, अभी 2 ही बार है, इस बार अगर तू करेगा तो तुमको हम 4 व्हीलर देंगे। उसके बाद जब हम फिर परीक्षा दिए, इस बार भी हम फेल कर गए, हम सोचे इस बार तो 4 व्हीलर मिल ही जाए, ठीक है। मेरा जो मन था, हम जब गांव गए तो पिताजी फोन पे पूछे कि क्या किया बेटा, पास किया कि फेल किया। हम सोचे कि पास का नाम लगे, हो सकता है नहीं हो जाए, इससे पहले 2 बार फेल किए थे तो बढ़ोतरी था। आकर के 4 व्हीलर मेरे पिता बोले ठीक है तुम्हारा जो है ना 4 व्हीलर घर पे रखा हुआ है, आ जाओ, फेल किया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यही मेरा 4 व्हीलर है, ये देखा। अच्छा इनका 4 व्हीलर यही है आपका, ये 4 व्हीलर दोस्तों देखिए, ये काफी एक तो मजाकिया किस्म के भी ये बच्चे हैं, लेकिन जो है ये इनके पिताजी जो है ये मैट्रिक में 3 बार आप फेल हुए, 3 बार फेल हुए कुल मिला के, शाब्दिक अर्थ में बता दूं 3 बार ये फेल हुए। पहली बार फेल हुए तो इसके पिताजी इसको साइकिल खरीद के दिए कि ट्यूशन जाने आने में सुविधा होगी, तुम ट्यूशन जाओ आओ अच्छे से पढ़ाई करो। दूसरी बार भी जो है ये फेल कर गया तो इसके पिताजी इसको गांव में मोटरसाइकिल खरीद के दिए, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद के दिए। गाँव में मिल जाता है 20-25-30 हज़ार में, बढ़िया मोटरसाइकिल मिल जाता है, दिल्ली पंजाब से कमा के आता है आदमी, मोटरसाइकिल खरीद लेता है, फिर जब जाता है तो बेच के चला जाता है, तो वही मोटरसाइकिल लेके दिए। वो मोटरसाइकिल खरीद के दिए कि बच्चा और अच्छे से पढ़े, थोड़ा घूमे फिरे। दो भाई मेरा ये है, एक भाई ये है, एक भाई ये है, तो अच्छा दोनों भाई, मतलब दोनों भाई की कहानी एक ही है। हाँ वैसे में हमसे पहले वो फेल किया था उसको, लेकिन वो अगर हमको बता देता कि 4 व्हीलर ऐसा होता है तो हम पढ़ते, लेकिन ये हमको बताया नहीं ना। तो ये देखिए, उसके बाद जब ये तीसरी बार फेल कर गए तो 4 व्हीलर का झांसा देख के इनको ये 4 व्हीलर मिल गया है। आप तो देखिए एकदम कितने कलाकार आदमी है, हमको क्या पता था कि ऐसा होता है 4 व्हीलर। हमसे पहले भाई का जो है ना ये जो है इनका घटना ऐसा ही है, हम तो बड़े हैं ये, ठीक है। अच्छा बड़े हैं, लेकिन फिर अभी नमे में बताए हमको, कहे कि नमे में झूठ बोल दिया हमसे, हम तो झूठ बोल दिया आपसे, कहे कि बोलेगा कि तुम्हारा भी हालत यही है इसलिए। अच्छा अरे भाई साहब आप लोग को छुपा रुस्तम है, ताकि 4 व्हीलर ऐसा होता है तो हम ऐसा नहीं करते, सोचे फिर फेल करेंगे, फिर इस बार 4 व्हीलर। बताइए इन लोगों की कहानी जो है, इनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है कि आप लोगों को मन लगा के पढ़ना चाहिए। आप फिर से पढ़ाई अपना आगे जारी रखेंगे कि छोड़ देंगे आप? मेरे पिताजी बोले कि अब कुछ दिन तक तुम इसी पे ये भैंस वैंस चलाओ, तो एक बार आप जो है इस 4 व्हीलर पे बैठ के दिखाएंगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा, किसी 4 व्हीलर पे बैठ के दिखाइए। नहीं नहीं देखिए सीट बेल्ट आर का तो इसमें जरूरत भी नहीं होता है आपको, हम लोगों को भी सवारी करने का मौका मिलता है क्या इस पे? हाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पटकेगा तो हमको मत बोलिएगा। अच्छा पटक भी देता है? पटक भी देता है, मतलब एक्सीडेंट कहीं पे भी? हाँ कहीं पे भी एक्सीडेंट, हमको जाए तब तो खतरनाक काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप ही एक बार बैठ के दिखाइए हमको, कैसे बैठा जाता है एक हाथ से? अरे गजा, घुमाइए एक बार इधर स्टीयरिंग इसको, ठीक है घुमा रहे हैं। चलो ना चल, अरे वाह, अरे 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 तो बिना मतलब एक्सीलेटर दे दे रहे हैं क्या, बिना कलच वलच का? 4 व्हीलर है, इसमें एक्सीलेटर का जरूरी नहीं पड़ता आपका। देखिए ये 4 व्हीलर जो है खाना मांग रहा, गोबर सूंघ रहा है लग रहा है, सूंघ रहा है लेकिन खाएगा नहीं। अच्छा खाएगा नहीं, हाँ हाँ तोरी भाला मारे, हाँ हाँ अरे आपका गाड़ी तो आप ही को उतार के भाग गया मारे। उधार होता है? हाँ होता है। कैसा दूध था, मतलब बढ़िया 5-7 लीटर? हाँ 8-10 लीटर होता है। बेचते हैं उसको कि पूरा सब पिए आ जाते हैं? आप भी पीजिए, एकदम कमजोर लग रहे हैं। नहीं नहीं पीते हैं, लीटर पी जाते हैं। देह में नहीं लग रहा है मुझे।
तो दोस्तों देखिए भैंस जो है ये लोग लेके घर तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से जो है भैंस ले जाते हैं ये लोग अपना। अभी तो गांव में भैंस चराने में भी समस्या है क्योंकि जो है नदी का पानी जो है इधर इनके खेतों में पहुंच चुका है, तो भैंस वैंस को चरने में समस्या होती है। इसीलिए थोड़ा बहुत भैंस को हरा चारा खिलाने के बाद भैंस को यहाँ पे जो है नाद में खाना खिलाया जाता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आइए देखिए भैंस को वहाँ से खेत से ले आने के बाद जो है यहाँ पे इसमें बांधा जाता है। इसमें पहले से जो है चारा वारा डाल के रखा जाता है ताकि भैंस वहाँ से आने के बाद हरा चारा यहाँ पे भी खा सके। और उसके बाद जो है ये भाई साहब इसका दूध वूध दूहते हैं और फिर जो है उस दूध को आप लोग बेचते भी हैं? आप लीजिएगा, वैसे बेचते नहीं है। बेचते नहीं है? नहीं नहीं, हम लेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो भाई साहब एक मिनट, आप हमारे देखने वाले लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ये वीडियो देखने वाले लोग, हाँ, जो भी देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई मन लगा कर कीजिए, तो हमारे जैसे फोर व्हीलर मिलेगा, ठीक है, और जो है आप लोगों का जिंदगी फिर ऐसा ही हो जाएगा। मतलब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, पढ़ाई मन लगा कर करें, ये मेरा ठीक है। देखिए आपको पढ़ाई की अहमियत समझ में आ रही है कि जरूरी होना चाहिए? बहुत नहीं, पढ़ना चाहिए। किसी भी यानी कि कोई पिताजी और कुछ बोले कि नहीं ये दे देंगे पढ़ाई लिखो, ये पिताजी का मन भराव हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी सोच से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये देखिए इनका कहना जायज है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको यही फोर व्हीलर मिलेगा, लैम्बोर्गिनी और फेरारी चाहिए तो फिर जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए। नहीं अगर पढ़ना है तो फिर क्या कहते हैं इसी में लगे रहिए। अच्छा, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी तरह देखते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक मारते रहिए, लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर दिया।